नेक्स्ट टॉपिक इज शूडो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कई बार इस एग्जाम्पल ही पूछ लेता है डायरेक्ट। अब शूडो में नहीं क्या होता है, फॉल्स मींस जो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर है एक्चुअली में वो दिखेगी कुछ और ऑर्डर की, लेकिन होगा क्या उनका फर्स्ट ऑर्डर। लाइक फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव राइज टू सी। अब इसके अंदर रिएक्टेंट कितनी है, तो कैसी लग रही है, बायमोलिक्यूलर मींस क्या लग रहा है कि हाँ ये सेकंड ऑर्डर, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन किस में कंसिडर होती है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी सबसे पहले क्या है डेफिनेशन देखिए, क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर क्या है, द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन कंडीशन बिकम फर्स्ट ऑर्डर। देखिए द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, कहता सच में वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन है जो उसको किसमें कंसिडर करवाती है, फर्स्ट ऑर्डर में, किसमें कंसिडर करवाती है फर्स्ट ऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं हम शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन लेते हैं हम CH3COOC2H5। ये क्या एक एस्टर, क्या है एस्टर, क्या नाम है इसका, इथाइल एसीटेट। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा, C2H5OH प्लस CH3COOH, एक अल्कोहल मिल गया, एक एसिटिक एसिड मिल गया। अब यहां पे अब कंडीशन क्या है, ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, अब कंडीशन क्या है कि इसमें जो वाटर है वो क्या है एक्सेस में, क्या है एक्सेस में। अगर इसका 1 मोल है तो वाटर के कितने होंगे, 55.5 मोल। अगर इसका 1 मोल है तो इसका 55.5, और क्या बन रहा है, 1 मोल इथेनॉल का और 1 मोल एसिटिक एसिड का। अब इसके अंदर जो ये एस्टर है ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, मींस 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल के साथ क्या दे रहा है, 1 मोल। इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास लेफ्ट कितने है, 55.1 मोल। अगर चला भी गया इसमें से तो हमारे पास क्या है, 55.49 मोल। अब जब इसका 1 मोल चला गया और इतने मोल फिर भी, मींस इसकी क्या है कंसंट्रेशन, क्या है कोई ज्यादा कम नहीं, एज इट इज है कॉन्स्टेंट। तो यहां पे इसके अंदर हम वाटर की कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट, क्या मान लेते हैं कॉन्स्टेंट। हमारा इसका क्या बनना था रेट, के CH3COC2H5 एंड वाटर, यही बनना था इसका रेट लॉग के अकॉर्डिंग ऑर्डर। अब यहां पे K को हमने वाले K-, अब यहां पे हमने K- वाटर के लिए कॉन्स्टेंट ले लिया, K क्या ले लिया, K, क्योंकि वाटर हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या मान लिया कॉन्स्टेंट, क्योंकि वाटर क्या है एक्सेसिव है। अब अगर आपके पास 100 लीटर पानी है उसमें से अगर एक गिलास आपने ले लिया तो आपको क्या लगेगा, नेग्लिजिबल, मतलब उसमें से ऐसा लगेगा ही नहीं कि वाटर निकला है, तो वाटर क्या हो गया कॉन्स्टेंट, केस पहले से कॉन्स्टेंट था, तो इन दोनों के लिए कॉन्स्टेंट क्या मान लिया, के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के सी टू एच सी टू
एच थ्री ओ ओ सी टू एच फोर। ये क्या आ गया आपके पास, इसका कंसंट्रेशन। तो इसके विद रिस्पेक्ट इसका क्या है, जो ऑर्डर है वो क्या है, वन। क्योंकि जो मेन यहां पे रिएक्शन डिपेंड है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, ना कि वाटर की कंसंट्रेशन। वाटर की पे है तो है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसके अगर ये होगा ही नहीं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं। वाटर तो एक्सेस में है इसके, वाटर क्या है एक्सेस में, तो वाटर एक्सेस में है या मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर जिसके अंदर आ गया, वाटर आपने यूज किया तो वो रिएक्शन क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए ऐसे ही रिएक्शन का, वो रिएक्शन है आपकी C12H22O11। आपने क्या किया, सुक्रोज लिया और उसको वाटर के अंदर डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी, आपको क्या मिलता है C6H12O6 + C6H12O6। अब यहां के आपको आपके पास दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक ग्लूकोज का, सेकेंड वन इज फ्रक्टोज, और यहां पे ये क्या है, सुक्रोज। अब कंडीशन वही है, ये किसमें है एक्सेस में, तो जहां भी एक्सेस में हो वाटर वहां पे अपने आप बंद करके ऑर्डर कौन सा लगाना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।